Gibbs adsorption isotherm. This equation represents an exact relationship between the adsorption and the change in the surface tension of a solvent due to the pressure of solute. ये जो Gibbs adsorption isotherm है तो ये Gibbs equation represent करता है adsorption की जो process होती है उसका और जो surface tension में change होगा किसी solvent के किसी solute के pressure की वजह से इन दोनों का relationship represent करेगा Gibbs equation. किसी भी solvent में जब हम कोई सोल्यूट डालेंगे तो उस सोल्यूट के प्रेशर से सॉल्वेंट के सरफेस टेंशन में चेंज आता है. इस चेंज को और एड्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है गिब्स इक्वेशन. सरफेस टेंशन जो सॉल्वेंट का चेंज होता है उसके वजह से जो सोल्यूट एड्सॉर्ब करेगा सॉल्वेंट के सरफेस पे उसमें भी चेंज आता है. दिस इक्वेशन वॉज फर्स्ट डिराइव्ड बाय जे डब्ल्यू गिब्स इन 1878 एंड आफ्टरवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय जे जे थॉम्सन इन 1888. अगर सोल्यूट का सरफेस टेंशन सॉल्वेंट के सरफेस टेंशन से कम होगा अगर सोल्यूट का सरफेस टेंशन कम होगा देन सॉल्वेंट तो वो क्या करता है सरफेस फ्री एनर्जी को डिक्रीज करता है. अब इसका रिजल्ट क्या होता है सोल्यूट पार्टिकल्स लिक्विड के या सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर एक्युमुलेट होते हैं या सिंपली एड्सॉर्ब होते हैं क्योंकि सरफेस पे एक्युमुलेशन को ही हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं. तो अगर सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट देन इट विल डिक्रीज सरफेस एनर्जी सरफेस फ्री एनर्जी एंड दस सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्युमुलेट ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड. और इसी प्रोसेस का इक्वेशन दिया है गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में. अगर हम दो कंपोनेंट की सिस्टम लेंगे मतलब ऐसी सिस्टम जिसमें सोल्यूट है और सॉल्वेंट है तो ये दो कंपोनेंट वाली सिस्टम हो गई. इसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये हम दिखाते हैं किस इक्वेशन से G इक्वल टू एन वन म्यू वन प्लस एन टू म्यू टू. एन वन और एन टू क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के और लिक्विड के. एन वन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड दैट इज सॉल्वेंट. म्यू वन इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट एंड म्यू टू इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट और लिक्विड. अब किसी भी सपोज एक बीकर में हम सॉल्वेंट लेंगे कोई लिक्विड लेंगे उसमें सोल्यूट डिसॉल्व कर लेंगे या सोल्यूट डालेंगे तो इसमें दो फेज होगी. एक तो सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल्स एक्युमुलेट होंगे तो ये सरफेस फेज और जो बीकर के अंदर जो सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे तक जाएंगे मतलब सॉल्वेंट के बल्क में जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे बल्क फेज. सबसे पहले हम सरफेस फेज की बात करेंगे. फॉर सरफेस फेज चेंज इन फ्री एनर्जी बाय एड्सॉर्प्शन ऑफ वन कंपोनेंट. यहाँ पर एड्सॉर्प्शन सोल्यूट का हो रहा है सॉल्वेंट के सरफेस पर मतलब इस केस में जो चेंज इन फ्री एनर्जी होगी वो किस इक्वेशन से होगी जी इक्वल टू
n1 mu2 plus n2 mu2 plus gamma into sigma. यहाँ पर गामा क्या है? गामा इज सरफेस एनर्जी और सिग्मा इज सरफेस एरिया. अब जो ये इक्वेशन है इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी जी इक्वल टू, और हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू बी कैसे लिखते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू बी प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी इंटू ए. सो डिफरेंशिएटिंग अबोव इक्वेशन, यहाँ पर ए है एन वन एंड बी इज म्यू वन. तो इस केस में डिफरेंशिएट करने के बाद में हमें इक्वेशन मिलेगा डी जी इक्वल टू एन वन डी म्यू वन प्लस म्यू वन डी एन वन प्लस एन टू डी म्यू टू प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस गामा डी सिग्मा प्लस सिग्मा डी गामा. दिस इज इक्वेशन वन. नाउ गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एन वन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सिग्मा विच इज सरफेस एरिया. इन सब का फंक्शन है फ्री एनर्जी दैट इज जी. तो अब हम आगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ देम, मतलब हर वेरिएबल से, टेम्परेचर से, प्रेशर से, एन वन एन टू और सिग्मा, इन सब के साथ में हम हमारे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे. तो इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, डी जी इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल टी. सबसे पहले हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल जी अपॉन डेल टी, और टेम्परेचर छोड़ के बाकी जो वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे. सो कांस्टेंट प्रेशर एन वन एन टू एंड सिग्मा, दिस आर द कांस्टेंट, इनटू डी टी प्लस. अब हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डेल जी अपॉन डेल पी विथ कांस्टेंट टी एन वन एन टू एंड सिग्मा इनटू डी पी प्लस डेल जी अपॉन डेल एन वन एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एन टू एंड सिग्मा इनटू डी एन वन प्लस डेल जी अपॉन डेल एन टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एन वन एंड सिग्मा इनटू डी एन टू प्लस डेल जी अपॉन डेल सिग्मा एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एन वन एंड एन टू इनटू डी सिग्मा. नाउ डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एन वन एन टू एंड सिग्मा, इसकी वैल्यू होती है माइनस एस, जो हमें थर्मोडायनेमिक्स में पता है, इट इज माइनस एस. इसकी वैल्यू होती है वी इसकी वैल्यू होगी म्यू वन देन दिस इज म्यू टू और इस लास्ट इक्वेशन की वैल्यू होगी गामा. तो ये सब हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिल जाएगा, डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी प्लस म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस गामा इंटू डी सिग्मा, इक्वेशन नंबर टू.
Now at constant temperature and constant pressure, dT क्या है? Change in temperature. और अगर हम temperature constant रखेंगे, उसको change नहीं करेंगे, तो change in temperature हो जाएगा zero, मतलब dT हो जाएगा zero. वैसे ही pressure को अगर हम change नहीं करेंगे, pressure को constant रखेंगे, तो dP मतलब change in pressure will be equal to zero. तो dT equal to zero और dP equal to zero, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर टू में. तो dG at constant temperature and pressure क्या मिलेगा हमें? म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस गामा इंटू डी सिग्मा. क्योंकि dT equal to zero था, तो इस इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो. वैसे ही dP equal to zero था, तो इस इक्वेशन की वैल्यू भी हो जाएगी ज़ीरो. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड थ्री. इक्वेशन वन और थ्री को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में dG है, मतलब दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी. तो हमें मिलेगा एन वन डी म्यू वन प्लस म्यू वन डी एन वन प्लस एन टू डी म्यू टू प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस गामा इंटू डी सिग्मा प्लस सिग्मा इंटू डी गामा इक्वल टू, अब इक्वेशन थ्री की राइट हैंड साइड म्यू वन इंटू डी एन वन प्लस म्यू टू इंटू डी एन टू प्लस गामा इंटू डी सिग्मा. अब इसमें जो कुछ टर्म्स हैं, जैसे म्यू वन इंटू डी एन वन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. वैसे ही म्यू टू इंटू डी एन टू, ये कैंसिल हो जाएगा. गामा इंटू डी सिग्मा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. तो लास्टली हमें क्या मिलता है इक्वेशन? एन वन इंटू डी म्यू वन प्लस एन टू इंटू डी म्यू टू प्लस सिग्मा इंटू डी गामा इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर. ये जो इक्वेशन नंबर फोर है, ये हमने देखा था सरफेस फेस के लिए. नाउ इन बल्क ऑफ लिक्विड, मतलब सॉल्यूशन के अंदर हमें कौन सा इक्वेशन मिलता है? एन वन ज़ीरो डी म्यू वन प्लस एन टू ज़ीरो डी म्यू टू इज इक्वल टू ज़ीरो. हियर एन वन ज़ीरो एंड एन टू ज़ीरो आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड एंड सोल्यूट इन बल्क. एन वन ज़ीरो डी म्यू वन इक्वल टू माइनस एन टू ज़ीरो डी म्यू टू. तो हमें डी म्यू वन क्या मिलता है? डी म्यू वन इक्वल टू माइनस एन टू ज़ीरो अपॉन एन वन ज़ीरो इंटू डी म्यू टू. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर फोर, अब डी म्यू वन की वैल्यू डालेंगे हम इक्वेशन नंबर फोर में. तो हमें क्या इक्वेशन मिलता है? एन वन इंटू माइनस एन टू ज़ीरो अपॉन एन वन ज़ीरो इंटू डी म्यू टू प्लस एन टू इंटू डी म्यू टू प्लस सिग्मा डी गामा इज इक्वल टू ज़ीरो. दैट इज माइनस एन वन इंटू एन टू ज़ीरो अपॉन एन वन ज़ीरो इंटू डी म्यू टू प्लस एन टू इंटू डी म्यू टू प्लस सिग्मा इंटू डी गामा इक्वल टू ज़ीरो. अब डी म्यू टू और डी म्यू टू यहाँ पर क्या है? सेम है. इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन टू माइनस एन वन इंटू एन टू ज़ीरो अपॉन एन वन ज़ीरो इंटू डी म्यू टू प्लस सिग्मा डी गामा इक्वल टू ज़ीरो.
अब सिग्मा डी गैमा को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो निगेटिव साइन आ जाएगा, एन टू माइनस एन वन इंटू एन टू ज़ीरो अपॉन एन वन ज़ीरो इंटू डी म्यू टू इक्वल टू माइनस सिग्मा इंटू डी गैमा। नेक्स्ट एन टू माइनस एन वन इंटू एन टू ज़ीरो अपॉन एन वन ज़ीरो इक्वल टू माइनस सिग्मा इंटू डी गैमा अपॉन डी म्यू टू। डी म्यू टू को हमने जो मल्टीप्लिकेशन में था उसको यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, एन टू माइनस एन वन इंटू एन टू ज़ीरो अपॉन एन वन ज़ीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा इक्वल टू माइनस डी गैमा अपॉन डी म्यू टू। अब ये जो यहाँ पर सिग्मा था इसको हमने यहाँ पर डिवीजन में ले लिया, नाउ एन वन इंटू एन टू ज़ीरो अपॉन एन वन ज़ीरो इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एन टू ज़ीरो असोसिएटेड विथ लिक्विड दैट इज एन वन ज़ीरो इन बल्क। एन टू क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट असोसिएटेड विथ लिक्विड इन सरफेस। नाउ द होल टर्म दैट इज एन टू माइनस एन वन इंटू एन टू ज़ीरो अपॉन एन वन ज़ीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा, दिस होल टर्म इज नथिंग बट द एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। सिग्मा क्या है? एरिया ऑफ सरफेस, जो कि डिवीजन में है इसीलिए पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस लेंगे हम, और एन टू माइनस एन वन इंटू एन टू ज़ीरो अपॉन एन वन ज़ीरो ये होल टर्म क्या है? एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अब इस होल टर्म को हम रिप्लेस करेंगे विथ गामा टू, इसका सिंबल हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज द गामा टू। सो गामा टू इज इक्वल टू माइनस डी गामा अपॉन डी म्यू टू। हमने सिर्फ क्या किया है यहाँ पर, जो एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस है उसे हम डिनोट करेंगे गामा टू से। अब हमें देखना है केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट टू। म्यू इज द केमिकल पोटेंशियल, सो म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू स्टार प्लस आर टी इंटू एल एन ए टू। म्यू टू स्टार इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर सोल्यूट, आर इज कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर एंड ए इज द एक्टिविटी। अब अगर हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिलता है इक्वेशन डी म्यू टू इक्वल टू आर टी इंटू डी एल एन ए टू। बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ म्यू टू स्टार इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन था दैट इज गामा इज इक्वल टू माइनस डी गामा अपॉन डी म्यू टू, तो वहाँ पर हम डी म्यू टू की वैल्यू लिख लेंगे जो कि हमें मिली है आर टी डी एल एन ए टू। ये वैल्यू हम लिख लेंगे तो हमें इक्वेशन मिलता है गामा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर टी इंटू डेल गामा अपॉन डेल एल एन ए टू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हमें मिलता है माइनस ए टू अपॉन आर टी
इंटू डेल गामा अपॉन डेल ए टू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ए टू इज द एक्टिविटी ऑफ सोल्यूट. किसी भी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एक्टिविटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉन्सेंट्रेशन. मतलब जो इस इक्वेशन में एक्टिविटी है स्मॉल ए, उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए, अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तो. सो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन दिस एक्टिविटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. Hence, for dilute solution, gamma 2 is equal to minus 1 upon RT into del gamma upon del ln C2 at constant temperature. Activity को replace किया है हमने concentration से, is equal to minus C2 upon RT into del gamma upon del C2 at constant temperature. For solute which lowers the surface tension of liquid, gamma 2 is positive. ऐसे solute जो surface tension को decrease करेंगे उनके लिए gamma 2 मतलब excess concentration of solute it will be positive. जैसे soap in water, soap क्या करता है, वाटर का सरफेस टेंशन कम करता है, इसलिए उसके लिए एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पॉजिटिव होगा. फॉर सोल्यूट विच इंक्रीजेस सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, गैमा टू इज निगेटिव. ऐसे सोल्यूट जो सरफेस टेंशन को इंक्रीज करेंगे उनके लिए गैमा टू निगेटिव होगा, मतलब एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन निगेटिव होगा. इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम, अगर वाटर में हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो सॉल्ट वाटर का सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है, ऐसे केस में एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन निगेटिव होता है. सो दिस इज गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म.